हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो मेरा कुछ डेली वीडियो व्लॉग नहीं आ रहा था एंड फाइनली मुझे कंटेंट मिल गया है। कुछ पर्संस की रिक्वेस्ट थी इंटर्नशिप के अकॉर्डिंग, तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए मैं यहाँ पर कॉलेज के इंटर्नशिप का ये जो असाइनमेंट रहता है उसके भी यहाँ पर एक वीडियो व्लॉग लेकर आ गई हूँ। इसको पूरा ध्यान से समझना स्टेप बाय स्टेप। इसमें जो कुछ कंपनी की तरफ से विथ सील साइन चेक लगते हैं प्रिंटिंग्स, उसमें क्या डिटेल्स रहती है उसको पूरा समझना, वीडियो को एंड तक देखना एंड अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत भूलना। सबसे फर्स्टली यहाँ पर डिक्लेरेशन आता है, देन सुपरवाइज़र लेटर। इसमें जो रहता है अपन वर्क करते हैं उसका डिक्लेरेशन रहता है और सुपरवाइज़र का लेटर रहता है। देन उसके बाद आप जहाँ पर भी इंटर्नशिप करते हो वहाँ से कंपनी आपको सर्टिफिकेट देती है, उसमें आपको कॉलेज के अकॉर्डिंग डिटेल्स फिल करके भरवाना होता है। फिर कंपनी आपको फीडबैक देती है कि आपका क्या फीडबैक था। फिर आप एक्नॉलेजमेंट फॉर्म एक खुद से लिखते हो कि आपने ही सब कुछ बनाया है एंड स्पेशल थैंक्स लिखते हो आपके सर्स को, आपके सीनियर्स को और स्पेशली जो आपको ऑफिस में सपोर्ट करता है उनको जहाँ पर आप वर्क करने गए हो। देन नेक्स्ट रहता है हमारा टू होम एंड ओवर इट में कंसर्न, मतलब ये जो एक रहता है एक जॉइनिंग लेटर रहता है, जॉइनिंग लेटर मिलता है उसको भी आपको पेस्ट करना होता है विद साइन। एंड इसके अलावा फिर एक और लेटर होता है, इसमें अप्रूवल लेटर, ये लेटर भी एक रहता है, इसमें भी अपन को साइन करना होता है। इंडेक्स रहता है, इसी फॉर्मेट पर हमारी पूरी इंटर्नशिप की फाइल बनती है। इसमें डिक्लेरेशन, सर्टिफिकेट, फीडबैक फॉर्म, एक्नॉलेजमेंट फॉर्म, अब इंट्रोडक्शन आएगी हमारी इंटर्नशिप की, देन इसी तरह से सारा आएंगे। इंटर्नशिप का इंट्रोडक्शन मतलब आप किस टॉपिक पर इंटर्नशिप कर रहे हो उस चीज़ को लिखना है। देन सेकेंडली आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन लिखना है कि आपकी कंपनी किस बैकग्राउंड की है, क्या वर्क करती है, उससे रिलेटेड पूरा लिखना है। देन थर्ड नंबर पर आता है डिटेल्स ऑफ वर्क डन, कि आपने क्या वर्क करा है उसकी डिटेल्स, फुल उसकी इन्फॉर्मेशन रहती है। जैसे कि वहाँ पर टैली के थ्रू में ये टॉपिक जो है वो टैली का है, टैली के थ्रू उसमें बिल बनाना, इनवॉइस नंबर देखना, ये सब रहता है। उसी के सारे ये इमेजेस हैं, उसी के लिए हमें बिल बनाना और जो जो भी आप ऐसे प्रैक्टिकल करते हो उसको आपको पेस्ट करना है या तो फिर हाथ से लिखना ज़्यादा बेटर है, और प्रूफ के लिए आप चाहो तो पेस्ट भी कर सकते हो। यही सब आपको इसमें जो भी आप सीख रहे हो, लाइक टैली है तो टैली के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम उसमें क्या कर सकते हैं, बिल बनाना सीख सकते हैं, उससे रिलेटेड सारा वर्क लिखना है। अब ये टॉपिक आता है गेटवे ऑफ टैली का। टैली ERP 9 करके एक न्यू अपडेट सॉफ्टवेयर है, उसके अकॉर्डिंग वर्क होता है, तो उससे रिलेटेड देखते हैं हम यहाँ पर कि क्या इन्फॉर्मेशन है, वही चीज़ हमें देखनी है, लिखनी है। अब इसके यूज़फुलनेस किस क्या काम आती है, किस चीज़ के काम आती है, ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजीज, टेक्निकल डिटेल्स, उसके बाद वर्क प्रोसीजर, जो भी वर्क प्रोसीजर है पेमेंट से रिलेटेड, रिपोर्ट से रिलेटेड, अलग अलग टाइप की रिपोर्ट्स रहती है वो सब लिखना है। इंटेंडेड आउटकम्स, आप क्या आउटकम चाहते थे, अचीव्ड आउटकम्स, आपको क्या आउटकम मिला और क्या क्या नॉलेज मिला, वो सब लिखना है इसमें। सब मैंने येलो हाइलाइटर से पूरी हेडिंग का ही इसमें एक पेज बना रखा है। उसके बाद रूजन की क्या कंक्लूजन मिला है सब करके, फ्यूचर प्लान्स क्या है, यही सब चीज़ें हैं जो कि इंडेक्स में भी मेंशन है और ये पूरी फाइल भी मैंने एक्सप्लेन कर दी है। इसी तरह से पूरी इंटर्नशिप बनेगी टैली टॉपिक पर। गाइज यही थी, इसी तरह से पूरी इंटर्नशिप टैली के टॉपिक पर बनेगी। बहुत सारे पर्सन हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा क्वेरीज रहती है, तो गाइस इस वीडियो में मैंने पूरा 0 से लेकर 100% तक पूरा बेस्ट तरीके से समझाने की पूरा ट्राई करा है। सब्सक्राइब फॉर मोर, मीट इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।